नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं मकराना और आज के वीडियो में हम जानेंगे मकराना मार्बल मूर्ति के बारे में कुछ जानकारियां जो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। और इन जानकारियों के साथ आप एक बेहतरीन मकराना मार्बल से बनी हुई मूर्तियां परचेज कर पाएंगे और आप इनके बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ ले पाएंगे। तो आइए मिलते हैं सोनू जी से। नमस्कार सोनू जी। नमस्कार। अपने बारे में और अपनी फर्म की जानकारी दीजिए दर्शकों को। मैं मकराना से सोनू सैनी, दीपिका मार्बल मूर्ति मकराना। मकराना से तो सर हम आप ये जानकारी चाह रहे हैं कि कस्टमर मकराना की मार्बल मूर्ति लेना चाहते हैं। बिल्कुल सर। और उनको मकराना की मार्बल मूर्ति मिल नहीं पाती है या मिल भी जाती है तो मूर्ति महंगी होती है। महंगी होती है और वो मकराना की मूर्ति खरीद नहीं पाते सोच के कि ये बहुत ज़्यादा महंगी है, और उनको दूसरी मूर्तियाँ मिल जाती है सस्ती रेट में और वो मकराना की ही कहलाती है या कुछ और होता है। तो ये मूर्तियों में क्या होता है और मूर्तियों की रेट मकराना की ज़्यादा क्यों होती है, दूसरी सस्ती क्यों होती है, हमारे कस्टमर को पूरी जानकारी दीजिए ताकि वो बढ़िया तरीके की सही प्राइस में मकराना की मूर्ति खरीद सके और कहाँ से खरीद सके, इसके बारे में जानकारी दीजिए सर। सबसे पहले बात तो ये है, जो ये अलवर वाला झीरी का पत्थर आता है, अच्छा, उसकी रेट बहुत कम है। अच्छा, जो अलवर का झीरी का पत्थर है वो मकराना का पत्थर नहीं है? नहीं है, वो उनको मकराने के बना के बेच देते हैं। अच्छा अच्छा। जबकि तो क्योंकि वो भी वाइट है, मकराना भी वाइट है, तो कस्टमर को कुछ भी पता नहीं पड़ता है। अच्छा, कस्टमर पता नहीं लगा सकते कि मकराना मार्बल कौन सा है या वो झीरी वाला कौन सा है। और कस्टमर ज़्यादातर ये भी हो जाता है कि मकराना मार्बल बोलते ही नहीं, बोलते हैं कि व्हाइट मार्बल की मूर्ति चाहिए, व्हाइट मूर्ति चाहिए संगमरमर की। बस तो अब इस व्हाइट मूर्ति में वो कोई सा मार्बल दे देते हैं, कोई सा भी दे देते हैं, तो कस्टमर का चीट फ्रॉड हो जाता है। अच्छा, तो अच्छा कस्टमर को मकराना की ही मूर्ति क्यों लेनी चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? मकराना की मूर्ति इसलिए लेनी चाहिए, मकराना मार्बल सालों साल है जैसा जैसा रहेगा। जैसे आज ताजमहल को 700 वर्ष हो गए, तो है जैसा जैसा है। मकराना के मार्बल में कैल्शियम आता है 98%, जो कभी भी पीला या काला नहीं पड़ता। अच्छा, और ना ही कभी कुछ पीता है, पानी कलर कुछ भी नहीं पीता, तो मकराना मार्बल है जैसा का जैसा ही रहता। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि जो आज जैसी मूर्ति बनेगी, हाँ, वो मूर्ति सदियों तक वैसी रहने वाली है, मूर्ति वैसे ही रहेगी। इसीलिए ही मकराना की मूर्तियाँ वर्ल्ड फेमस है। वर्ल्ड फेमस है, इसको वर्ल्ड का नंबर वन पत्थर इसलिए दिया गया है, इसीलिए इसका नाम संगमरमर है। हाँ, तो आप हमें कुछ मूर्तियों के बारे में जानकारियाँ दीजिए ताकि हमारे दर्शकों को ये पता लग सके कि जैसे छोटी मूर्ति बड़ी मूर्ति या इनकी प्राइस में क्या डिफरेंस आता है या बनवाना चाहते हैं कैसी बन जाती है। तो आप कुछ मूर्तियां मुझे दिखाई दे रही है, आप इनके बारे में मुझे जानकारी दीजिए। जी सर, ये जो मूर्तियां हमें दिखाई दे रही है तीन, आप इनके बारे में बताइए सर। ये शिव परिवार की मूर्तियां है। अच्छा, ये शिव परिवार हो गया तीन मूर्तियों के रूप में। वैसे पांच होते हैं। अच्छा, बट ये तीन है व्हाइट के। अच्छा, एक नंदी होता है सात के अंदर, ठीक है, तो ये 13 इंची के अंदर है। अच्छा, ये 13 इंची के अंदर है। ये प्योर मकराना व्हाइट में है। प्योर मकराना व्हाइट में, इसमें जितना जल चढ़ाओगे उतनी चमक आएगी, कभी काला पीला नहीं पड़ेगा। अच्छा, जैसा है वैसा रहने वाला। हाँ, है हमेशा जल चढ़ेगा और वैसा का वैसा ही रहेगा लाइफ के अंदर, इसमें चमक ही आएगी पानी चढ़ाने। अच्छा, सर तो इनकी पूरे परिवार की प्राइस के हिसाब से या अलग अलग मूर्ति के हिसाब से बताइए ताकि हमारे कस्टमर बेहतर समझ सके कि मूर्तियों की प्राइस कैसी रहेगी। ये मकराने के अंदर अगर आप एक फिट का लेते हो, 5 रंग देते हैं हम 25,000 रुपये के अंदर। अच्छा, एक फिट 12 इंची के अंदर अगर ये शिव परिवार लेते हैं तो 25,000। शिव परिवार में तीन मूर्तियाँ, पाँच मूर्तियाँ। इसमें शिवलिंग भी आएगा ब्लैक कलर का। अच्छा, और एक नंदी भी आएगा 11 इंची का। अच्छा, और ये 12 इंची के आएंगे सभी। ठीक है सर, और प्राइस कितनी बताई आपने? 25,000 रुपये। अच्छा, ओनली मकराना मार्बल। अगर इसके अंदर अगर आप जीरी वाला लेते हो तो इसकी रेट हो जाएगी आपको 12-13 हज़ार रुपये। अच्छा, जीरी वाले मार्बल में जाते हैं तो ये ओनली 12-13 हज़ार में बन जाएगा। पांचों नग दे देंगे आपको। अच्छा, और ऐसा व्हाइट ही दिखेगा? हाँ, दिखेगा व्हाइट ही है। अच्छा, बट ये अगले वाले के 5 साल के अंदर बिल्कुल खराब हो जाएगा पत्थर। अच्छा, वो सस्ता तो होता है लेकिन कुछ ही सालों में खराब हो जाएगा। कस्टमर के वो पैसे एक तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। तो उन्हें मकराना मार्बल की ही चीजें लेनी चाहिए, इसके लिए उनको ज्यादा से ज्यादा जांच पड़ताल करनी चाहिए और हमारे जैसे वीडियो से जानकारियां लेके सही कस्टमर तक आना चाहिए। सही आना चाहिए, ये बात सही है। ठीक है सर, आगे वाले हमें ये राम दरबार की मूर्तियों के बारे में जानकारी दीजिए सर। ये मकराना मार्बल का राम दरबार है। अच्छा, ये भी मकराना प्योर व्हाइट में बना हुआ है सर? बिल्कुल प्योर व्हाइट में, बिगर दाग का है। अच्छा, और इनकी चमक भी देख के ऐसा लग रहा है कि अपने मन को मोहित कर रही है सर। हाँ, बिल्कुल सही बात है सर। और जैसा कि हमने भी सुना है मकराना में आते आते कि जो मकराना मार्बल की चमक होती है वही ऐसी चमक हो सकती है, दूसरे किसी मार्बल में ऐसी चमक नहीं हो सकती, नहीं आएगी।
और एक सबसे बड़ी खास बात है कि मूर्तियों के अंदर जो भी आपको व्हाइट कलर दिखाई देता है वहाँ पे कोई भी पेंट नहीं किया जाता है, नहीं किया गया, ये प्योर मकराना मार्बल ही होता है सर। ये प्योर मकराना मार्बल ही होता है, बस इस पे फिनिशिंग होती है, फिनिशिंग होती है। तो सर ये जो हम देख पा रहे हैं इसकी प्राइस रेंज के बारे में बताइए ताकि हमारे कस्टमर इसके बारे में जानकारी थोड़ा बेहतर समझ सकें। ये 15 इंच का है और प्योर वाइट का है, एक नंबर का, इसकी रेट है 25,000 रुपये। अच्छा, और ये पूरे परिवार की ना चार मूर्तियाँ 25,000, जिसमें तीन मूर्तियाँ ये आ गई, श्री राम जी की, सीता जी की और लक्ष्मण जी की, और ये हनुमान जी, वीर हनुमान जी। अच्छा, ये 15 इंच की है इसकी रेट, ये 15 इंच की साइज के अंदर है। हाँ। और इसके बाद सर ये जो हमें साईं बाबा की मूर्ति है इनके बारे में आप जानकारी दीजिए। ये साईं बाबा की है 2.25 फीट की। अच्छा, ये जो बड़ी वाली है वो 2.25 फीट की है। हाँ। अच्छा, साईं बाबा के बारे में सर जानकारी दीजिए, क्योंकि ये पूरी वाइट ही होती है तो इनकी क्या खास बात होती है सर? साईं बाबा की ये खास बात होती है, ये इसके अंदर दाग नहीं होता है, और ये प्योर अगर मकराने में लेता है ना तो ये बहुत महंगी पड़ती है। जो पार्टी जाकर वियतनाम में लेना पसंद करती है, बट वियतनाम काला पड़ जाता है, पर जो दुकानदार होते हैं वो कस्टमर को किसी भी हाल में नहीं बताते, वो ये कहते हैं वियतनाम बेस्ट होता है, हम लेमिनेशन कर देंगे। लेमिनेशन, बल्कि लेमिनेशन की गारंटी 5 साल की हो जाए, 7 साल की हो जाए, बट लेमिनेशन तो उतरेगा तो वो काली पड़ेगी। तो इससे बढ़िया है कि पार्टी को सिर्फ ओनली मकराना मार्बल एक नंबर में लेना चाहिए साईं बाबा को, महंगी पड़े बट लाइफ टाइम की श्योरिटी होती है। अच्छा, इसीलिए साईं बाबा की मूर्ति महंगी होती है, क्योंकि इसके ऊपर कोई कलर पेंटिंग बहुत ही कम हिस्से पे होती है। हाँ। और ये प्योर वाइट से ही बनती है, इसीलिए मतलब इसकी प्राइस रेंज में हाँ सबसे ज़्यादा होती है, इसमें बेदाग होता है। और हर दुकानदार है ना वियतनाम की देने की सोचता है, जयपुर वाले हो या अलवर वाले हो या दिल्ली वाले हो, सब वो वियतनाम के ही बेटर बताते हैं, क्योंकि मकराना महंगी पड़ती है। अच्छा, तो हमें ये जो छोटी वाली, सबसे छोटी वाली, इसकी प्राइस और साइज बताइए सर। ये छोटी वाली मूर्ति है 10 इंची की, और ये मकराना मार्बल की है, और ये करीबन 10 इंची की मूर्ति पड़ती है आपके 5,000 रुपये की। ठीक है सर, और इससे बड़ी वाली मूर्ति जो साईं बाबा जी की, ये 15 इंच की मूर्ति है। अच्छा, ये 15 इंच की है। हाँ। और इसकी प्राइस कितनी रहेगी सर? ये 15 इंच की 11,000 रुपये की है। ये 11,000। और ये जो सबसे बड़ी मूर्ति है जो अपन देख रहे हैं, इसकी साइज कितनी है सर? इसकी साइज है, ये मकराना मार्बल की है, और अगर ये आप एक नंबर में लेते हो 2.25 फीट की, तो करीबन ये आपको पड़ेगी 65,000 रुपये की। 65,000 रुपये की, ठीक है सर। इसके बाद आप इसकी जानकारी दीजिए, ये भी मुझे बहुत ही सुंदर और डिज़ाइनिंग के अंदर, ये बताइए मूर्ति के बारे में सर। ये देवनारायण जी, जैसे कि ये भगवान सो रहे हैं, और ये शेषनाग है कमल के ऊपर, आराम से देखिए, ये मकराना के अंदर बना हुआ है। इसका अच्छा? पेंट अभी पूरा बाकी है, ये कोटा जाएगा आराम से। पार्टी को यही कहा कि मेरे को सिर्फ मकराना मार्बल में चाहिए, तो इस वजह से ये पड़ा है। पार्टी मेरे पास में आएगी तो उसके सामने ही पेंट करा के दूंगा। अच्छा, इसमें अभी पेंटिंग का काम बाकी है। हाँ, पूरा ये गढ़ाई वगैरह का काम कंप्लीट हो चुका है। हाँ, पॉलिश फिनिशिंग कंप्लीट है, पेंट बाकी है, पार्टी के सामने ही पेंट करके देंगे, जो कोई किंतु परंतु बात नहीं होती है। अच्छा अच्छा, तो इसकी साइज कितनी है सर? इसकी ये साइज है 30 इंची। ये 30 इंची के अंदर है, और इसकी प्राइस रेंज कितनी है? इसकी प्राइस रेंज है 45,000 रुपये में। अच्छा, ये 45,000 रुपये के अंदर है, और ये बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रही है जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए इसमें बनावट, वो भी बहुत ही मनमोहक है। और सर इसके बाद हमें माता रानी के बारे में बताइए। ये माता रानी 2 फीट की है। ये 2 फीट की है माता रानी की, और ये भी प्योर मकराना मार्बल में बनी हुई है। प्योर मकराना मार्बल में। और इनकी प्राइस रेंज कितनी है सर? इसकी 30,000 रुपये। 30,000 रुपये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए इनकी सुंदरता देखते ही बनती है, और मार्बल की जो चमक है वो भी आपका मन मोह जरूर ले रही होगी। और आप देखिए इनकी बनावट, इनकी कारीगरी और इनकी सुंदरता, और इनके ऊपर जो कलाकृतियाँ कलर से पेंटिंग किया है वो भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही जानदार जान पड़ता है, क्योंकि वाइट पेंट नहीं है जी। वाइट पेंट नहीं है यहाँ पे, जहाँ पे भी वाइट कलर दिखाई दे रहा है वहाँ पे कोई पेंट नहीं किया हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं, वहाँ पे ये ओनली मकराना मार्बल ही है। आप सभी जगह देखिए, यही मकराना मार्बल की खास बात है। और जब भी आप मूर्ति परचेज कर रहे हों, बनवा रहे हों, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि क्या ये मार्बल मकराना मार्बल है। और हर दुकान से आप लिखवा के लीजिए, बिल पे लिख के दीजिए 100% मकराना मार्बल है या नहीं है। अच्छा सर, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, उनको अगर मार्बल मूर्ति खरीदनी हो तो वो किन किन बातों का ध्यान रखें और कहाँ संपर्क करें सर? देखो, अगर उसको कोई भी किसी को मूर्ति लेनी है
तो पहले अगर किसी से भी डील करे उस बंदे को बोलो, एक तो मैं आपसे बिल पे लिखा के लूंगा 100% मकराना मार्बल है कि नहीं है, क्योंकि चीट फ्रॉड बहुत करते हैं। अगर वो बिल पे लिख के देता है तो अपने हाथ काट देता है दुकानदार, तो उसको डर रहता है कि मैं डर हो जाता है उसको कि ये अगर ये कहीं जांच करवा ले कोई कह देता है तो उस पर 420 का केस होगा। तो इस वजह से हर ग्राहक को मकराना मार्बल अगर वो लेता है दुकानदार कहता है तो उसको बोले बिल पे लिख के दे। अच्छा, ये मकराना मार्बल है ये बिलिंग में लिखवा लें। हाँ अच्छा, और उस इसके अलावा भी अगर वो मान लो कहीं और जानकारी इनकी लेने चाहे तो किन बातों का ध्यान करें ताकि उसको मकराना मार्बल ही मिले? अपने पास कॉल करें, बिल्कुल सही सटीक जानकारी मिलेगी। अच्छा, किसी को भी जानकारी ही लेनी हो तो भी आपके पास कॉल कर सकता? हाँ, है कॉल कर सकता है, ताकि ग्राहक को आप सटीक जानकारी देख सकें और वो अपने हिसाब से और भी जानकारी ले सके, और अगर उसे संतुष्टि हो तो फिर वो हाँ काम करवाए, हमसे करवाए, कोई इशू नहीं है। आप मकराना भी आओ, मोस्ट वेलकम, आराम से आपको पहले मार्बल के बारे में बताएंगे, हर तरीके से आपको समझाएंगे, फिर आपकी इच्छा हो आप काम करवाइए और हम आपको बिल पे भी लिख के देंगे। ठीक है सोनू जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, ताकि हमारे दर्शकों को इसका लाभ मिलेगा आपकी जानकारी का, और वो जब भी उनको जीवन में मार्बल मूर्ति की ज़रूरत होगी तो वो आपके वीडियो से सजेशन लेके आपसे कॉल ज़रूर करेंगे। हाँ सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहें।